अस्सलाम वालेकुम, मैं नॉर्थ कराची सेक्टर 5/3 की रहायश पजीर हूँ, अजमेर नगरी थाना के एरिया में। मैं यहाँ 10 साल से इस इलाके में रह रही हूँ और हमारे इलाके में एक अजब नामी शख्स पुलिस वाला है जो रोज़ आना रात को 8 बजे के बाद नशे के हालत में लड़कों के साथ बदतमीजी करता है, जिसको चाहता है मारता है, पीटता है, गालियां बकता है और पिस्टल निकाल लेता है और बिला वजह में बैठ के पिस्टल निकाल के फायरिंग करता है। और आज मेरे बेटे अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठा हुआ था घर के बाहर, तो वो आके मेरे बेटे के कान के ऊपर यहाँ पिस्टल रख दिया लोड करके और बोलता कि मैं तुझे मार दूँगा जान से। मेरे बेटे ने किसी सूरत से अपनी जान बचाया, उसको धक्का दे करके और 15 पे कॉल किया। 15 वाला आ करके उसको हाथ मिला करके और वो चले गए, कुछ नहीं रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद हम थाना गए अजमेर नगरी, वहाँ भी उन्होंने एप्लीकेशन ले करके रख लिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहा हमसे कहा कि आप सुबह आए, हम सुबह बात करेंगे। तो इस तरह तो हम वहाँ से चले आए खामोशी से और वो यहाँ आके मोहल्ले में, वो भी रहता है और हम लोग भी मोहल्ले में रहते हैं, तो वो सबको कह रहा कि हम इसको जान से मार देंगे, इसको उठा देंगे और इसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह तो मेरे बच्चे का जान को खतरा है। इरफान इधर आ, ये मेरा बेटा है और एक ही बच्चा है मेरा, जबकि काम से आता है थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है लड़कों के साथ इलाके में घर के बाहर, और उसको इस तरह यहाँ मार के यहाँ देखे सुझा दिया है यहाँ पर। तो हम इंसाफ के लिए गए, वहाँ से हमें कोई इंसाफ नहीं मिला, हमें सुबह बुलाए हैं। तो इसलिए हमारे आईजी डीआईजी साहब से अपील है कि वो हमारी मदद करेगा। अगर हमारे बच्चे को वो कुछ कर दिया, मार दिया, तो हमें कौन इंसाफ देगा और हमारे बच्चा कौन लौटाएगा? हमें तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया अजमेर नगरी थाने वालों ने। तो मेरी अपील है आप लोगों से कि आप लोग मेरी मदद करें। पिक्चर दिखाओ उसके। ये है अजहर पुलिस वाला, ये है अजहर पुलिस वाला, ये मीडिया में चल जाएगा तो कोई इश्यू नहीं होगा।